कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं, कहानी की शुरुआत हो रही यहाँ से। सबसे पहले हम लोग गए थे रिजवान भाई के घर, रिजवान भाई को पिकअप करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जब प्लान हो रहा था जाने का तो मंसूर भाई की तबीयत नासाज थी, तो भाई साहब नहीं आने वाले थे, लेकिन अचानक मैसेज आया कि भाई आई एम ऑल राइट, हम आने वाले हैं। आज क्या हुआ भैया? कई खाए भैया, दही खा के पारी ना आए, फिर उसका टैंक बंद हो गया था, हवा में निकले गए थे। वैसे कार में जगह नहीं थी, सामान आप सेट करना पड़ रहा तुम्हारे वास्ते, अब तुम्हारे लिए। फैयाज भाई इज़ दी ऑर्गेनाइजर हमारे जो जितने भी ट्रिप्स होते हैं, तो फैयाज भाई का प्लान चलता है और मेरा काम होता है भाई ट्रिप को यादगार बनाना, वो मैं अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ। तो सारा ये सब झमेला है, सारी चीज़ें वो फैयाज भाई का काम होता है। फैयाज भाई को हर चीज़ एक टू डू लिस्ट बना के जाना रहता, सारा सामान जो है जिम्मेदारी फैयाज भाई की रहती है, लेकिन किसी को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो वो एकदम सीधी तरीके से प्लान करके अच्छी तरीके से हो सकती है, राइट। लेकिन हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होता, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम लोग सामान लेना भूल गए, मंसूर भाई आ गए, पूरी टीम आ गई, अभी हम लोग मेरे घर को जा रहे हैं। क्या क्या भूले अब मैं बोलता हूँ फैयाज भाई, सबसे पहले भूले बटर, दूसरी चीज पूरे अंडे घर में, चॉपर नहीं चॉपर ला लिया, चॉपर ला लिया। ये हुआ कैसा, मतलब भूलने का शॉट तुम्हारी वजह से सब, अरे सब तुम्हारी वजह से, मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो जाता। पहले हम लोग सामान भूल गए, फिर उसके बाद में हम लोग को ऐसा लगा कि टायर पंचर है गाड़ी का, तो थोड़ी देर वहाँ पर रुकना पड़ा। इडली मैं भी इडली खा रहा हूँ। जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए हिमायत सागर, वहाँ पर कोई एक अच्छी सी जगह देखकर हम लोग ग्रिल चिकन बनाना स्टार्ट किए। वैसे मल्टीपल चीज़ें बनाना था, हमारे शेफ़ जैसे ऑर्गेनाइज़र हमारे फैयाज भाई, तो एक लिस्ट बनाकर आए थे कि बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे हम लोग। प्लान ये था कि एक अच्छी तरीके से वीडियो शूट करें, नेचर के आसपास है तो यू नो बिना किसी की आवाज़, बिना कोई चू ना चाह, सिर्फ जो है खाने की आवाज़ हो, खाना बनाने की आवाज़ हो, खाना बनने की आवाज़ हो, मेरे को उस तरह कोई चीज़ शूट करना था समवेयर नियर ए लेक। वैसे फैयाज के पास एक लिस्ट थी, फैयाज बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आए थे हर चीज़, क्या क्या होना था, क्या क्या करना था। आप बात कर सकते हैं क्या कर
बनाए, जैसे कि सबसे पहले लेमन येलो तंदूरी चिकन, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़बरदस्त था। फैयाज़ भाई नोज़ द रेसिपी, मेरे को मालूम नहीं, अगर आप लोगों को वो रेसिपी मालूम करना है तो फैयाज़ भाई को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फैयाज़ भाई बनाए रोज़मेरी गार्लिक चिकन, वो भी बहुत अच्छा था। उसका भी मैं इंस्टाग्राम पे IGTV पे अपलोड ज़रूर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और एक और चीज़ बनाए हम लोग, बेल पेपर स्टीम एग। ये दो तीन चीज़ें ही तब तक हम लोग बनाए, तो यू नो अंधेरा हो गया था तो हम लोग बाकी चीज़ें ट्राई नहीं करें। तो एक लिस्ट है फैयाज़ भाई के पास तो वो बनाना है। होपफुली फ्यूचर में और भी इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखना, लेमन येलो तंदूरी चिकन जो है वो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए इंस्टाग्राम पे, एक बार वो चेक कर लेना। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो कुछ एक नया ट्राई करना था तो मैं ट्राई करा। जहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखते होंगे मेरे वीडियोस, उसमें म्यूज़िक होती है, सिनेमैटिक शॉर्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस बार मैं अलग से कुछ ट्राई करना चाह रहा था। मैं और फैयाज़ भाई डिस्कस किए, फैयाज़ भाई प्लान किए कि हम लोग कुछ अच्छे से डिशेस बनाएंगे और उसको शूट करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ जो है नेचर हो, नेचर की आवाज़ें हो। क्योंकि शुरू से प्लान ये था कि हम लोग जब इस तरह के वीडियो बनाएंगे तो इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, IGTV पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। इसके बाद शायद आप लोग ये वीडियो जब तक देखोगे वो वहाँ पर अपलोड हो गया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। इस तरह के डिशेज़ हम लोग कभी ट्राई नहीं किए थे, इस तरह के वीडियोज़ कभी हम लोग शूट नहीं किए थे, तो वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पर, आप लोग ज़रूर देखिए। अच्छा, ये तो वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड मैंने कर दिया है, एक तो कर दिया ऑलरेडी और एक अपलोड ज़रूर करूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आए इस तरह का वीडियो तो मैं ज़रूर YouTube पे भी ज़रूर अपलोड करूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं इस तरह का वीडियो यहाँ पर भी डालूँ या नहीं, तो ज़रूर बताइए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा पुराने वीडियोज़ भी देखिए, मेरा काम देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।